आज के दिन अगर ये दुआ आगे फॉरवर्ड ना कर सको तो वापस मुझे ही सेंड कर देना। ऐ मेरे परवरदिगार, पूरी दुनिया में जितने लोग वफात पा चुके हैं उनकी मगफिरत फरमा। आमीन। उन्हें कब्र के अजाब से माफ फरमा। आमीन। जो बीमार हैं या परेशान हैं तू अपने करम से माफ फरमा। आमीन। और उनकी बीमारी और परेशानी को दूर फरमा। आमीन। और ऐ मेरे परवरदिगार, जिसने मुझे ये दुआ भेजी है उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा। आमीन। और हर काम में कामयाबी अता फरमा। आमीन। और उसके नसीब खोल दे। आमीन। अपने लिए जरूर दुआ करवाएं, न जाने किसकी जुबान से आपकी तकदीर सवर जाए। आमीन। आपकी खास दुआओं में गुनाहगार को याद रखना, ये दुआ बहुत प्यारी है। आमीन। इसको सुकून से पढ़ो और दिल में आमीन कहो और इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड करो, हो सकता है दूसरे लोगों की आमीन से आपकी दुआ कबूल हो जाए। आमीन। ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, ऐ सारे कायनात के शहंशाह, ऐ सारी मखलूक के पालने वाले, ऐ जिंदगी और मौत का फैसला करने वाले, ऐ आसमानों और जमीनों के मालिक, ऐ पहाड़ों और समुद्रों के मालिक, ऐ इंसानों और जिन्नातों के माबूद, ऐ अर्श ए आज़म के मालिक, ऐ फरिश्तों के माबूद, ऐ इज्जत और जिल्लत के मालिक, ऐ बीमारियों से शिफा देने वाले, ऐ बादशाहों के बादशाह, ऐ अल्लाह हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, तेरे खताकार बंदे हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। आमीन। हमारी खताओं को माफ़ फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा छोटे बड़े सभी गुनाहों को, खताओं को और नाफरमानियों की माफ़ी मांगते हैं। ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल कर ले। आमीन। ऐ अल्लाह हम गुनाहकार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, तेरे हुक्मों के नाफरमान हैं, ना शुक्र हैं, लेकिन मेरे माबूद तेरे नाम लेवा बंदे हैं, तेरी तौहीद की गवाही देते हैं, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। आमीन। तेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं है। आमीन। तेरे सिवा कोई तारीफ के लायक नहीं है। आमीन। हमारे माबूद, हमारे गुनाह तेरी रहमत से बड़े नहीं है। आमीन। तेरी अपनी रहमत से हमें माफ कर दे। आमीन। ऐ अल्लाह तू हमें गुमराही के रास्ते से हटाकर सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पे चलने वाला बना दे। आमीन। ऐ अल्लाह ऐसी नमाज पढ़ने की तौफीक अदा कर जिस नमाज से तू राजी हो जाए। आमीन। जिंदगी में ऐसे नेक अमल करने की तौफीक अदा फरमा जिन अमालों से तू राजी हो जाए। आमीन। हमें ऐसी जिंदगी गुजारने की तौफीक अदा कर जिस जिंदगी से तू राजी हो जाए। आमीन। ईमान पे जिंदा रख और ईमान पे ही मौत अदा कर। आमीन। ऐ अल्लाह हमें तेरी हुक्मों की फरमा बरदारी करने वाला बना। आमीन। और तेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नेक और पाकीज़ा तरीकों को अपनी जिंदगी पे लाने वाला बना। आमीन। ऐ अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर कर दे। आमीन। ऐ अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफा कामिला अता फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह जो कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं उनका कर्ज जल्द से जल्द अता करवा दे। आमीन। ऐ अल्लाह शैतान से हमारी हिफाजत फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह इस्लाम के दुश्मनों का मुँह काला कर दे। आमीन। ऐ अल्लाह हलाल रिज्क कमाने की तौफीक अता कर। आमीन। ऐ परवरदिगार आलम, हमें मांगना नहीं आता लेकिन तुझे देना आता है, तू हर चीज पे कादिर है। ऐ अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा और जो मांगने से रह गया है वो भी अता फरमा। आमीन। हमारी दुआ अपने रहम से, अपने करम से कबूल अता फरमा। आमीन। जिसने ये दुआ भेजी है और इसे आगे बढ़ा रहा है उसकी सारी परेशानियों और सारी तकलीफों बीमारियों को दूर फरमा। आमीन। और सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। आमीन। آمین 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 آمین